वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश की गाथा का वर्णन किया गया है। लव कुश का जन्म एक असाधारण घटना थी। भारत के भावी सम्राट और अयोध्या के राजकुमार लव कुश महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता के संरक्षण में बड़े हुए थे। पर यह सोचने वाली बात है कि अयोध्या के राजकुमार एक आश्रम में पले बढ़े, आखिर क्यों? रामायण में ये सबसे संवेदनशील घटना सुनने को मिलती है कि श्री राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से ये कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए माता सीता ने खुद अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। उस समय वे गर्भवती थीं और इस अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था, लेकिन जिसके बारे में राम जी को कोई जानकारी नहीं थी। फिर कुछ समय बाद वाल्मीकि आश्रम में बिताने के बाद वहीं माता सीता ने लव और कुश नामक दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लव और कुश अपने पिता के समान ही धनुर्विद्या में रुचि रखते थे और महर्षि वाल्मीकि ने उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध भी किया था। दोनों बालक मेधावी थे तथा शस्त्र और शास्त्र की विद्या को सिद्धहस्त करने में जहां दूसरे लोगों को जीवन लग जाता था, वहीं किशोर अवस्था तक आते आते वे दोनों वीर पराक्रमी और प्राकांड विद्वान बन गए थे। लव और कुश आश्रम में ही पले बड़े और वे इस बात को नहीं जानते थे कि अयोध्या के राजा राम उनके पिता हैं और उनकी माता जानकी ही राजा राम की पत्नी सीता है। महर्षि वाल्मीकि जी लव कुश को राम कथा सुनाया करते थे, लेकिन उन्होंने भी उन्हें उन दोनों कुमारों को कभी ये नहीं बताया कि वे उस प्रतापी राजा राम के पुत्र हैं। राम जी को अयोध्या में शासन करते हुए समय बीत गया तो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का विचार दिया। राजा राम को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए अयोध्या वासियों ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। फिर श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व यानी कि सफ़ेद घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ के राजा अयोध्या की अधीनता प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते और जो उपद्रवी राजा ना स्वीकार करता वे अंततः युद्ध करके पराजित हो जाते थे। लेकिन फिर ये घोड़ा भटकते भटकते हुए जंगल में आ पहुँचा। वहाँ लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा राम को चुनौती देना। राम जी को जब ये पता चला कि किन्हीं सुकुमारों ने घोड़ा पकड़ लिया है तो घोड़े को पकड़ने के पीछे उन बालकों का क्या उद्देश्य है, ये जानने के लिए पहले राम जी ने अपने खास दूत भेजे। जब ये पता चला कि वे दोनों सुकुमारों घोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं हैं और वे चुनौती दे रहे हैं तो भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लव कुश का युद्ध हुआ, लेकिन सभी लव और कुश से पराजित होकर वापस अयोध्या लौट आए, क्योंकि लव और कुश तो स्वयं भगवान राम के अति पराक्रमी पुत्र थे जिन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात ना थी। इसलिए अंततः खुद श्री राम को लव और कुश के समक्ष जाना पड़ा। तब राम जी ने दोनों बालकों की योग्यता देखते हुए उन्हें अपने यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया, जिसे स्वीकार करते हुए लव और कुश अयोध्या नगरी जा पहुँचे। और नगर में पहुँचकर लव और कुश ने जो श्री राम जी की गाथा अपने गुरु वाल्मीकि जी से सुन रखी थी उसी के अनुसार राम जी का गुणगान पूरे अयोध्या में घूम घूम कर कर रहे थे। और जब दरबार में आकर उन्होंने प्रभु श्री राम से माता सीता की व्यथा कथा गाकर सुनाई, जिसे सुन और देख कर प्रभु श्री राम को ये पता चल गया कि लव और कुश उनके ही बेटे हैं। उन्हें तब बहुत दुख हुआ और वे लव और कुश के साथ माता सीता को पुनः राज महल ले आए। तो बोलो जय श्री राम।